Hello friends, after a long travel, you want to eat something which is very light and oil-free and super easy to make. Then you are on the right channel. Wait and watch this recipe. Hello friends, welcome to my channel of more and more food, flavor, color and celebration. And we are making a fantastic recipe of Nisha Madhulika. It's an oil-free white peas, gravy bolo, sabzi bolo, ragda bolo, whatever you want to call it. And it's oil free and it's an amazing recipe. Maine already ise do bar bana liya hai. Main ye recipe ab third time bana rahi hu. And assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing super. So let's start with the recipe. Look at the steam. और ये मटर पूरी तरह से पक चुका है। So let's start with the recipe. Hello friends, चलो oil free सफेद मटर के छोले बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? तो यहाँ पे है मेरे पास ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जो मैं 2 टमाटर के साथ पीसने वाली हूँ। हल्की सी हींग है, 1/2 टीस्पून आई हैव गॉट हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर है, और 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है, और है ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और हमें चाहिए 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और स्वाद के लिए चाहिए नमक। तो हमने ऑलरेडी नमक मटर में डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने इसे 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ बॉईल किया है। ओके, तो हम देखेंगे हमें और कितना नमक चाहिए। एंड टमेटो को मैं ब्लेंड कर लेती हूँ ये अदरक के साथ। तो मैंने 2 टमाटर को 1/2 इंच अदरक और 2 मिर्ची के साथ ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, ये इसमें कोई लहसुन और प्याज नहीं है ये रेसिपी में। A very happy Ganpati festival to all of you dear friends. So this recipe is going to be perfect for you for this Ganpati. Do make it. Plus ये oil free recipe है, तो इसमें तेल तो गिरने वाला नहीं है। तो चलो अब हम फटाफट इन मसालों को बिना तेल के भुनना शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा बर्तन, अच्छा खासा गरम हो गया है। तो अब ये जितने मसाले हैं मैं सारे इसमें डाल देती हूँ। ध्यान रखें कि आपका पतीला बहुत ज्यादा या आपका बर्तन बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतना ही होना चाहिए कि इसमें ये मसाले भुन जाए। तो बस दोबारा से गैस ऑन करती हूँ। आपको लगता है कि आपका बर्तन बहुत गर्म हो गया है, तो गैस बंद करके उसको तभी भूनें। बहुत ही शानदार रेसिपी है, ऑयल फ्री है। पूरी तो वैसे भी आप तेल में ही तल के खाओगे, तो कम से कम कोई एक चीज आप ऑयल फ्री रखें। ये त्योहारों का महीना है, तो घी तेल ये कुछ ज्यादा ही सबके खाने में जा रहा होगा। चले तो मसाला आप देख सकते हो अच्छी तरह से पफ अप हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर प्यूरी डाल रही हूं। मैं ये रेसिपी 2 बार बना चुकी हूं, इसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि ये ऑयल फ्री रेसिपी तो बनाना ही चाहिए चैनल पे। इस मसाले को तब तक भूनना जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। खट्टा मीठा तीखा स्वाद आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टेज पे चाहे तो आप
नमक डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि 1 टीस्पून सॉल्ट हमने जो सफ़ेद चना उबालने में यूज़ किए हैं वो कम है। अब ये स्टेज पे ना मैं ये 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ। If you want, you can add spicy chili powder also. That is if you आप चाहो तो इसमें कोई शानदार चना मसाला भी डाल सकते हो, गरम मसाला भी डाल सकते हो, पर मैं डालूंगी थोड़ा सा चना मसाला ताकि मैं मेरे स्वाद के हिसाब से इसे जरा ये करूं। देखो लगता ही नहीं है कि इसमें हमने तेल डाला नहीं है, बट देयर इज नो ऑयल इन दिस। आप देख सकते हैं तेल हरगिज नहीं है इसमें। तो बस ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूख गया है, नो ऑयल, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सूख गया है। गैस स्लो कर दे, हमें इसे जलाना नहीं है। मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म पानी, इससे क्या होगा सारे मसाले एक साथ आ जाएंगे। मसाला अच्छा खासा गाढ़ा हो रहा है तो अब इसमें हम निचोड़ेंगे 1/2 लींबू का जूस। थोड़ा इसे मेरे स्वाद के हिसाब से बना रही हूँ और नमक मुझे थोड़ा कम लगता है तो मैं एक ज़रा 1/4 टीस्पून नमक मैंने डाला है और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ चना मसाला, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। ये दोनों भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें। सॉरी, आई एम जस्ट पुटिंग 1/2 टीस्पून। मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी कि हमने नींबू का रस डाला है, टमाटर भी खट्टा होगा जो जस्ट टू बैलेंस आउट ऑल द फ्लेवर। एंड नाउ आई एम एडिंग द छोला ओवर हियर। बिस्मिल्लाह करेंगे इसे ऐड कर। छोले के पानी को कभी ना फेंकें, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम इसे अच्छा मिक्स करेंगे। और 4-5 मिनट जरा दम पे पकाएंगे। तो मैंने इसे ओवरनाइट, 1 कप छोला मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। मॉर्निंग में मैंने इसमें चुटकी भर सोडा डाल के सिपी दिए क्योंकि पता नहीं है सफ़ेद मटर और हरे मटर ना बड़े ही नखरे कर कर के पकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रंग हल्का है, आपको इससे भी ज़रा डार्क चाहिए, तो आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये बन गया है सफेद मटर का छोला, आई मीन बनने जा रहा है। अभी मैं इसे दम पे रखूंगी तो हम मिलते हैं 1-5 मिनट में इसको अच्छा दम देके। ऑलराइट फ्रेंड्स, 5 मिनट्स, लेट्स चेक
इट्स बबलिंग अवे टू ग्लोरी। हाँ हाँ हाँ, रंग तो देखो, वहाँ कलर तो बहुत ही फैंटास्टिक आया है। एंड दोस्तों, ऐसा लगता ही नहीं है कि इसे तेल में ना बनाया हो। तो मैं इसे जल्दी टेस्ट कर लेती हूँ टू एंश्योर दैट हर स्वाद बराबर है इसमें। चले फ्रेंड्स, टेस्ट तो सुपर है, बस इसमें और 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालना है मैंने। दैट मीन्स इन दिस रेसिपी आई हैव टोटली एडेड 1.5 टीस्पून सॉल्ट। रेसिपी को गौर से देखना तो आपको पता चल जाएगा मैंने कब कब कहाँ कहाँ सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं और मेरे खाने का तरीका देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं कोरिएंडर के जो स्टेम्स होते हैं वो तो हर इसमें डालती ही हूँ। अगर आपको लगता है ये गाढ़ापन कम है तो आप इसे इसमें थोड़ा और पानी मिला सकते हैं। तो मुझे तो स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगा और मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि बिना तेल के ये छोले सफ़ेद मटर क्या लाजवाब दिख रहे हैं। देखिए, एकदम लाजवाब। तो जिनकी ये रेसिपी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी रेसिपी उन्होंने बताई। और फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव लाइक माय रेसिपी देन प्लीज़ गिव अ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी आते हो, विजिट करते हो, देखते हो मेरा वीडियो, मेरा कुकिंग ब्लॉग देखते हो, बट आप लाइक नहीं देते हो, आप ऐसे ही चले जाते हो। तो ज़रा प्लीज़ मेहनत का ध्यान रखे, ऑलराइट, और मुझे मोटिवेट करने के लिए हमेशा लाइक दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आई विल सी यू सून विद अनदर रेसिपी। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। वंस अगेन, हैप्पी गणपति टू ऑल ऑफ यू। कीप मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर देन। बी एट होम, बी सेफ। बाय बाय।